हेलो एवरीवन इन आर हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट राधिका शर्मा, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स प्ले। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर ऑलरेडी डिस्कस द सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सो विच इज द प्रोविजन ऑफ दिस इज वॉइड मैरिज। इन आवर दिस वीडियो वी गोना डिस्कस द सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट विच इज वॉइडेबल मैरिज अंडर HMM। So let's start with a topic. Basically, according to Section 12, a marriage although valid can let it be annulled on any of following ground. यानी कोई भी शादी जो valid है वो annul हो सकती है any of the following ground पे, किसी भी ground पे जो कि हम आगे mention करेंगे। First one is if either party is impotent and therefore unable to consummate the marriage. The second one is when at the time of marriage either party is not capable of giving valid consent. यानी जब भी वो शादी हो रही है दोनों पार्टी में से कोई भी उस पोजिशन में नहीं है मेंटली कि वो वैलिड कंसेंट दे पाए उस शादी के लिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से। इवन इफ ही और शी इज कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, यानी अगर हो सकता है कि वो अपनी कंसेंट देने के लिए कैपेबल हो, अगर बट वो सफ़र कर रहे हो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से तो एक एक्सटेंड तक जो कि उनको अनफिट करता है मैरिज के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज इफ द कंसेंट वॉज ऑब्टेन फोर्सफुली और फ्रॉडुलेंटली, यानी अगर किसी को फोर्सफुली किसी से शादी कराई जा रही है तो भी अवॉइडेबल है। एंड इफ द ब्राइड वॉज प्रेगनेंट बाई अनदर मैन अदर देन द ग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी अगर ब्राइड जो है वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है एट द टाइम ऑफ मैरिज अदर देन द ग्रूम, तो भी वो मैरिज अवॉइडेबल होगी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। That's all about this. That's all about Section 12 of Hindu Marriage Act. See you super soon in our next video. Thank you, guys.